आइए जानें कि ठंड में पशुओं की देखभाल कैसे करें। ठंड बढ़ गई है, आमजन परेशान है। क्या आपको पता है कि ठंड में पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए? मधुबनी के जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने पशुपालकों को कई अच्छे टिप्स दिए हैं जो निश्चय ही उपयोगी हैं। इनका कहना है कि जाड़े में पशुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। पशुओं को चारों ओर से घेर कर रखना चाहिए, उन्हें मोटा कपड़ा ओढ़ाना चाहिए। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी मधुबनी। पशुपालक भाइयों को जाड़े में अपने पशुओं का वो कैसे रख रखाव करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जाड़े में अपने पशुओं का जो आवास बनाए हुए हैं, बथान, उसको चारों तरफ से घेर करके रखें। पशु के शरीर पर भी जो है कोई मोटा कपड़ा, बोरा, चट्टी, ये सब उस पर बांध करके रखा जाए पशु को। और जब तक जगते हैं तब तक ही पशु के बारा में बथान पर जो है अलाव जलाएं। ऐसा नहीं कि रात भर जला के छोड़ दें, पशु के कपड़ा में आग धर ले और वो पशु के साथ जो है एक दुर्घटना घटित हो जाए, वैसा ना करें। स्वच्छ चापाकल का पानी, चापाकल का स्वच्छ पानी अपने पशुओं को भरपूर मात्रा में पिलाया जाए। अपने पशुओं को आदि गुड़ कम से कम 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अपने पशुओं को खिलाएं, और उसमें 50 ग्राम आदि भी टुकड़ा करके या पीस करके उसमें डाल दें। या जो अच्छा पशु है, जो दुधारू पशु है, छोटा पशु को जो है 50 ग्राम, बड़ा पशु जो है उससे जो बड़ा है उसको 100 ग्राम, और भी जो मैच्योर्ड पशु है, जो 8-10 लीटर दूध देने वाली गाय हैं, उसको 200-250 ग्राम तक भी गुड़ या छोआ खिलाएं, खाने में शामिल कर दें। अपने पशुओं को यथासंभव हरा चारा खिलाएं, और कोशिश करें कि जाड़े में भी ही सही अगल बगल जो है जल जमाव नहीं हो। जहाँ पशु का रहने का स्थान है उसके अगल बगल में जल जमाव नहीं हो। जल जमाव वाले जगह पर जो है थोड़ा सा किरोसिन ऑयल छिट करके जो है ना रखें, ताकि उस पर मक्खी मच्छर सब जो है अंडा नहीं दे सके। वो हमारे लिए आपके लिए भी उतना ही लाभप्रद है जितना पशुओं के लिए है। शाम में अपने पशुओं को धुआं अवश्य कर दें, जो मक्खी मच्छर सब जो है डांस उस जो है वो सब उसको कम लगे। मेन अपने पशु, और यदि पशुओं में नाक से पानी गिरना, बुखार आना या खाना छोड़ देना, जुगाली बंद कर देना, इस सब तरह का यदि लक्षण आता है तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक से संपर्क करें एवं अपने पशुओं को यथाशीघ्र इलाज उपलब्ध कराएं। यदि पशु के नाक से पानी आता है तो होम्योपैथ की एक दवा है एकोनाइट 200 पावर का यूज़ कर देने से 10-10 बूंद करके यदि 2-2 घंटे पर यूज़ किया जाए, 3-3 घंटे पर यूज़ किया जाए तो पशुओं में लाभ होता है। और अपने पशुओं को आप तुलसी का पत्ता यदि अवेलेबल होता है, थोड़ा सा जाड़ा में जो है सरसों तेल भी उसको 50-100 ग्राम पिला सकते हैं पशु को अंदर से गर्मी रहती है उसके कारण। एवं अपने पशुओं को आप जो है तुलसी का पत्ता, मतलब कितना 50 ग्राम के आसपास यदि खिला सकते हैं, या पशु यदि आप जब आपका पशु ढांसने लगे, खांसी हो जाए उसको, तो तुलसी का काढ़ा जैसे आदमी के लिए बनता है उसका 4 गुना वॉल्यूम करके, 4 गुना सब चीज़ ज़्यादा मिला करके अपने घर में उसको काढ़ा बना करके देने से भी पशुओं को लाभ होता है। जो काढ़ा हमारी सर्दी दूर करता है, वही काढ़ा यदि 4 गुना स्ट्रेंथ बढ़ा करके बना दिया जाए और उसको एक कांड दिया जाए, जिससे दवा पिलाते हैं पशुओं को, उसे यदि एक कांड सवेरे एक कांड शाम दिया जाए तो उसका पशु का सर्दी उससे कंट्रोल हो जाता है, रुक जाता है। तो अभी जाड़े में और यदि ज़्यादा पशु का दम मारने लगे, पंजरा फेंकने लगे, तो उस स्थिति में आप जरा भी देर न करें, अपने पशु चिकित्सक को बुला करके उसका इलाज करवाएं।
पशुओं में जाड़े में भी पेट खराब होता है, कोल्ड डायरिया जिसको बोलते हैं, तो उस समय अपने अपना दिमाग लगाने के से बेहतर है कि आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। निमोनिया हो, डायरिया हो, अन्य भी किसी तरह की बीमारी हो, पशु जो है ठंड के कारण जो है खाना कम कर देते हैं, जिसके लिए हमने आपको पूर्व में ही कहा थोड़ा सा उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए जो है जो छोआ या गुड़ का प्रयोग किया जाता है। तो बस इतनी ही सी ही बात है, इसका आप उपयोग करें, आपके पशु जो आपका पशु जो है जाड़े में भी पूर्ववत दूध देती रहेगी दुधारू पशु, और जो पशु अन्य जो पशु हैं वो सब सारा स्वस्थ रहेंगे।